शासन किसका है बिहार में, शासन किसका है अभी नहीं जो चुनाव। आप कहीं से द्वेषपूर्ण बात पूछ रहे, बुरा नहीं मानेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार। यह है लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू तिवारी, जो लोजपा के जिला संगठन की मजबूती पर अपने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई कर रहे थे, इसीलिए वो सिवान पहुंचे थे। लोजपा से जुड़ने के लिए लोगों को कहा। इसी दरमियान राजू तिवारी ने कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है, सिवान में रोज़ हत्या लूट जैसी वारदात हो रही है। नीतीश सरकार को जमकर घेरा, कहा कि लोजपा हमेशा गरीबों के हक के लिए लड़ती रही है। बस क्या था, मौजूद वहां मीडिया ने एक सवाल कर दिया, जिस सवाल पर राजू तिवारी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भड़क गए। जब मीडिया ने उनसे बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी एवं गैस की कीमतों में लगी आग पर पूछा कि आपने इसके खिलाफ कितनी बार धरना प्रदर्शन किया है, तो यह सवाल सुनते ही राजू तिवारी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भड़क गए। उन्होंने कहा कि हमेशा हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई, गैस के दाम हो, क्या केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और क्या ये भाजपा सरकार इसमें फेल है? तब तिवारी जी के सुर बदल गए। उन्होंने कहा, महंगाई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्या केंद्र सरकार फेल है, तो इस पर जवाब नहीं दे पा रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष। जवाब भी कैसे देते, पिछले 3 तारीख को हुए उपचुनाव में मोकामा में भाजपा कैंडिडेट के लिए चिराग पासवान जो वोट मांगने गए थे, ये सारा साफ है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की चिंता हमारे नेता की पैनी नज़र सब पे है, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे नेता अगर कुर्सी के लिए रहते तो केंद्र में मंत्री हो रहे। रोजगार की बात कही, सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार 3 बार सरकार रह चुकी है, कितने बार आप लोग आपकी पार्टी ने धरना दिया है हमारी पार्टी के खिलाफ? जी नहीं, रोजगार आप क्यों नहीं, आप हमारी पार्टी हर जगह से इसके लिए उठा रही है। हमारी पार्टी एक जो भी महत्वपूर्ण मुद्दा होता है हमारे नेता उसको आगे बढ़ चढ़ के उठाते हैं। सरकार में रहते हुए भी पार्टी के, अगर पार्टी के सोच के खिलाफ कुछ रहता, पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ रहता, सरकार को घेरने का काम करते हैं। उसी सरकार कोई मंथ कोई डेट बता दे जाए सर, जब पार्टी रोजगार के खिलाफ उतरी हो, सिलेंडर के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, सबसे कम आप लोगों ने असर देखा। आप देखे होंगे कि बिहार में अभी जितना वहाँ जब भी SC ST से लेकर टेट से लेकर के सारे युवा जो अभी धरना करते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे नेता चिराग पासवान जी पहुँचते हैं। तो अभी तो चूंकि बिहार में विपक्ष आप लोग सरकार में नीतीश कुमार नहीं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पे सरकार थी, उसमें तेजस्वी जी भी पहुंचते थे, हमारे नेता पहुंचते थे। रोजगार को लेकर सर, रोजगार के लेकर के हम लोग की बात नहीं कर, हम लोग तो हमेशा सरकार में हम लोग तो है नहीं ना, हम लोग अभी केंद्र में ना स्टेट में, पहले बात समझिए। हमारे नेता पर डे आवाज़ उठा रहे हैं कि आपने जो कहा 19 लाख 20 लाख 10 लाख जो रोजगार बोला है उसको दीजिए। हमारे नेता आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। 1200 रुपये पार कर गया सर सिलेंडर, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे नेता भी बोल मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी फेल है। जो महंगाई है, देखिए हम यार पास हमारे नेता स्पष्ट बोले हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग हमारे नेता जो गलत है वो गलत है, मैं कह रहा हूँ आपको कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1200 रुपया सिलेंडर। तो सर यह माना जाए कि मोदी सरकार फेल है, विफल रही है इस पर। अब एक सिलेंडर दाम 118 रुपये हो गए, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये फेल है कि दुर्भाग्यपूर्ण का कैसे नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग मांग करेंगे, हमारी पार्टी मांग कर रही है कि आप इस पर नियंत्रण रखा जाए, हमारी पार्टी मांग करे। लेकिन हमारे नेता, हम लोग की विशेष रूप से बिहार के हमारी पार्टी है, मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आप थोड़ा बिहार पर भी करिए। बिहार पर चर्चा कर लेते हैं सर, पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जहाँ जहाँ नीतीश कुमार की पार्टी थी वहाँ वहाँ लोजपा ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, जहाँ भाजपा कैंडिडेट थे वहाँ नहीं खड़ा किया, बताइए बिहार के बारे में कितना शासन किसका है? बिहार में शासन किसका है अभी नहीं जो चुनाव? आप कहीं से द्वेषपूर्ण बात पूछ रहे हैं, बुरा नहीं मानेगा, लेकिन बिहार में शासन किसका है आप ही बताइए। बिहार में नीतीश कुमार जी का शासन है, गृह मंत्री कौन है, लॉ एंड ऑर्डर की बात पूछना किससे पूछेंगे? सत्ता में उनके समर्थ उनके शागिर्दों से नहीं पूछेंगे, उनके समर्थकों से नहीं पूछेंगे, उनके उनको जो समर्थन दिया उनसे नहीं पूछेंगे। हम आज नीतीश कुमार जी से पूछे जाएंगे आज लॉ एंड ऑर्डर का सुना कि क्या जवाब दिया है राजू तिवारी ने? बताते चले कि ये लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको इतना तक नहीं पता कि हमारी पार्टी बढ़ती महंगाई, बढ़ते पेट्रोल की कीमतों और गैस के दाम में लगी आग पर
कब इन्होंने धरना दिया था, इसका ना उनके पास कोई आंकड़ा था और ना ही कोई डेट याद थी। बहरहाल भाजपा, जदयू या जो भी तमाम पार्टियां हैं, एक दूसरे पर पलटवार तो करती ही हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है, वही ढाक के तीन पात। जनता आज भी त्रस्त है, जनता आज भी 1200 रुपये का सिलेंडर खरीदने को मजबूर है। बहुत से लोग हैं जो 1200 रुपया जल्दी जुटा नहीं पाते, लेकिन फिर भी नेताओं की बड़ी बड़ी बातें हैं, सिर्फ बड़ा बड़ा बोलकर समझाकर आहिस्ता से निकल जाना इन नेताओं का काम है। तब भी हमारे पास आंकड़ा है कि महीना में 10-10 हत्याएं हुई है, तब क्या उस समय भी हम उठाए हैं। आपको याद करिए कि 2020 से भारतीय जनता पार्टी के साथ में नीतीश कुमार थे, उस समय भी मैंने हमारे नेता ने अपराध बेलगाम पर उठाया है, शराबबंदी फेल है इस पर हमने उठाया। हम कहीं अपने उससे आप भारतीय जनता पार्टी हो कोई हो, हमारा जो नेता का विजन है उसमें जो भी आएगा उसके खिलाफ हम लोग